हेलो व्यूअर्स, आज का विषय पड़ेगा से संबंधित वाक्यों की जानकारी हासिल करना, जो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बताते हैं, यानी कर्तव्य का बोध कराते हैं। जैसे उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम। उन लोगों को काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू वर्क। हम लोगों को गाँव जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो टू विलेज। तुम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ये तमाम वाक्य ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी बता रहे थे या कर्तव्य का बोध करा रहे। अब दूसरे खंड में मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, जिनकी जानकारी से इंग्लिश भाषा की पकड़ अच्छी होगी, और इसमें तरह तरह के वाक्य दिए गए हैं, ध्यान से सुने गए। सिर्फ सुनना है, सुनते रहने से काफ़ी जानकारी होगी। जैसे एक लड़का जो यहाँ रहता है, मेरा रिश्तेदार है, अबुआ Who lives here is my relative। इस वाक्य में यहाँ दे या दोज में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, लेकिन हु के पहले दोज का इस्तेमाल होता है, दे का नहीं। दोज हुए हियर वे आर माई रिलेटिव्स, वे लोग जो यहाँ थे मेरे रिश्तेदार थे। इस वाक्य में इवन इफ का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब इस वाक्य को पढ़ते हैं, इसकी हिंदी भले ही आती है, भले ही तुम काम ना करो तुम्हें मजदूरी मिलेगी, इवन इफ यू डोंट वर्क यू विल गेट वेजेस। उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्रॉस करेंगे, मेथड ऑफ हिज टीचिंग इज गुड, इस प्रकार से इसका अनुवाद करेंगे। उनके जैसा पढ़ाने वाले लोग शायद ही मिलते हैं, इस वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे, हार्डली वी गेट अ पर्सन लाइक हिम हु टीचेज वेल, इस प्रकार से इस वाक्य का अनुवाद करेंगे। अब अंत में एक सवाल है, शुड देयर बी डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर इन इंडिया, एनी प्लान, क्या भारत में खेलों की संस्कृति का विकास होना चाहिए, कोई प्लान गवर्नमेंट का है? आंसर, ये गवर्नमेंट हैज गिवन मेजर बूस्ट टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। सरकार ने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया है, बूस्ट मीन्स बढ़ावा देना, बाय अप्रूविंग एनएसडीपी की स्वीकृति देकर। एनएसडीपी है क्या? नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्वीकृति देकर सरकार ने खेलों को बढ़ावा दिया है, यानी प्रोमिनेंटली कॉल्ड खेलो इंडिया इन हिंदी, जिसे हिंदी में खेलो इंडिया का नाम दिया गया। दो सुपर टैलेंटेड विल बी गिवन 5 लाख फॉर 8 consecutive years। वैसे खिलाड़ी जो सुपर टैलेंटेड होंगे उन्हें प्रत्येक साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और वो भी कंसेक्यूटिव वे में, यानी लगातार 8 वर्षों तक उन्हें पैसे मिलते रहें। इससे काफ़ी उनका नाम होगा, उनकी ख्याति बढ़ेगी, और लोग उन्हें पीएम, ईएम और एसएम के जरिए जानेंगे। पीएम, ईएम, एसएम क्या है? प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर के जरिए, ईएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी के जरिए, और ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए लोग उन्हें जानेंगे, उनकी ख्याति बढ़ेगी और काफ़ी पैसे आएंगे, जिससे स्पोर्ट्स की ओर युवाओं का रुझान देखा जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने पढ़ेगा संबंधित वाक्यों की जानकारी हासिल की तथा मिसलेनियस सेंटेंसेस को देखा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।